खाना टेस्टी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ में हेल्दी भी होना चाहिए। तो आज उसी सीरीज में मैं लेके आया हूँ प्रोटीन सैलड, जिसके अंदर लो कार्ब है, लो फैट है, लेकिन हाई प्रोटीन है। तो चलिए मिलके बनाते हैं हाई प्रोटीन सैलड। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट। तो स्प्राउट का बेसिक आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चार चीज़ें मैंने ली हैं, चारों चीज़ों का स्प्राउट निकल जाता है, मतलब अंकुर निकल जाता है। तो पहले नंबर पे क्या है, ये है मोठ। देखिए इस तरह की होती है। इस दाल को तो लगभग भूल ही गए हैं लोग बाग। मूंग दाल तो सबको याद रहती है, मोठ सब भूल गए हैं। मोठ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे फाइबर होते हैं, प्रोटीन सोर्स भी बहुत अच्छा होता है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। ये कच्ची मूंगफली है जिसके अंदर छिलका भी है, इसके भी स्प्राउट निकलते हैं, लेकिन बस खास बात ये है कि इसके स्प्राउट थोड़े वक्त लेता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। ये है अपनी मूंग दाल, हरी मूंग दाल, जिसका आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है स्प्राउट में अंकुरित करने में, इसी दाल का किया जाता है। उसके बाद में है ये चना, ये साबुत चना है, काला चना, ये बड़ा वाला चना है। आपको मैं छोटा चना भी दिखा देता हूँ। ये है छोटा वाला चना, ये देखिए इन दोनों का साइज़ देखिए आप। इसका स्प्राउट बहुत अच्छा निकलता है, इसका भी निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेता है और कई स्प्राउट इसके निकलते नहीं हैं, इसलिए इसको सिर्फ करी, आप करी बनाते हो उसके लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोटे चने का ही इस्तेमाल किया जाता है स्प्राउट के लिए। तो चलिए चारों चीज़ें हैं, चारों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद में हम इनमें पानी डाल के इनको सोक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चने और दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद में भरपूर मात्रा में पानी भर दिया है। बर्तन बड़े ले लिए मैंने, क्यों, क्योंकि सोक होने के बाद में फूलेंगे तो यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए, तो बर्तन काफ़ी बड़े लेने हैं, पानी ऊपर तक भरना है। और जब तक आप सोते हैं, मतलब कि 8 घंटे आपको इसको रखना ही होगा, 8 घंटे में आराम से फूल जाएंगे, 8 से 10 घंटे का टाइम होता है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद में। तो यहाँ पे लगभग 8 से 10 घंटे हो गए और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। और एक बात आपको बता दूं, इस पे हाथ नहीं लगाना इस तरह से बार बार, इसको ऐसे धोना है कि इस पे हाथ ना लगे, क्योंकि हम जब बार बार इन पे हाथ लगाते हैं तो फिर ये स्प्राउट अंकुरित होने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले इसका पानी फेंक के आते हैं, उसके बाद में फ्रेश वाटर से एक बार धोना है बिना हाथ लगाए। सभी दाल और मूंगफली को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है बिना हाथ लगाए हुए, स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया और इनको सभी को धो लिया है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, सबसे पहले अंकुर किस में आएगा, इसमें आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा, उसके बाद में यहाँ मूंग की दाल में आएगा, उसके बाद में चने की दाल में आएगा, और सबसे लास्ट में जो निकलेगा, सबसे ज़्यादा टाइम जो लेगा वो लेगा मूंगफली के अंदर, क्योंकि दालों का सबका अलग अलग टेक्स्चर है, नेचर होता है। तो चलिए बिना हाथ लगाए अब इसको कपड़े में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, उसके नीचे एक बर्तन लगा दिया है, क्यों, क्योंकि पानी निकलेगा तो इसी में जाएगा। हमेशा स्ट्रेनर में ही हमको डालना है, किसी बाउल का इस्तेमाल ना करें स्प्राउट लगाने के लिए। बाउल में क्या होगा कि पानी तले पे आ जाएगा, तो जो तले पे वाला हिस्सा होगा वो बदबू मारने लग जाता है, इसलिए इसको हवा भी लगनी चाहिए। ये कपड़ा ले लिया है, कपड़ा मोटा होना चाहिए क्योंकि मोटे कपड़े के अंदर नमी ज़्यादा देर तक रहती है। यहाँ कपड़े को इस तरह से सेट किया और ये रही दाल डाल दी। हाथ कम से कम लगाना है या नहीं लगाना है, और ये इसको इस तरह से दबा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा पानी के छींटे मारेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है ये गीला होना चाहिए, अच्छी तरह से गीला होना चाहिए, सूखा कपड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पानी के छींटे। अब ये देखिए पानी के छींटे लगाने के बाद में अब ये पानी इसमें तो रुकेगा नहीं, पानी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे स्प्राउट हैं वो बदबू नहीं आएगी, वो ख़राब नहीं होंगे। अब इसको किसी भी गर्म स्थान पे आप रख दीजिए, गर्म का मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, जहाँ पे हवा नहीं लग रही हो उस वाले एरिया में रखना है इसको, जहाँ धूप नहीं लग रही हो, जहाँ पे हवा कम आ रही हो उस वाले एरिया में रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसी तरह हम सारी दालें कर लेंगे, वही गीला कपड़ा स्ट्रेनर में लगाया, दाल को डाली और कवर कर दिया, उसके बाद में वापस पानी के छींटे और दाल को लगा दिया। तो ये लीजिए, हमने सभी को कपड़े में डाल के अच्छी तरह से पानी के छींटे लगा दिए हैं। अब इसको हर 2-3 घंटे में या 4-5 घंटे में आपको पानी के छींटे इस तरह से लगाने होंगे, इस तरह से हर 2-3 घंटे के अंदर। तो 12 घंटे मिनिमम होता है, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 18, किसी को 24 घंटे लग जाएंगे अंकुर होने में। आपके पास में ऐसी कई जगह होंगी जहाँ पर इसको हवा ना लगे और जहाँ पर इसको धूप ना लगे, हल्की सी गर्माहट हो,
इस तरह का कोई कैबिन हो तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए आप इसको लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मैं रखता हूँ। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस ओवन का। अब आप सोचेंगे ओवन के अंदर ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओवन को ऑन नहीं करना है, बस ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे ओवन को बंद कर दूंगा, एक हीट इसके अंदर रहेगी अपने आप, एक नेचुरल जो हीट होती है। ओवन ऑन नहीं करना है, फिर से दोबारा बोलता हूँ, वरना कहीं पता लगे आप ओवन ऑन कर दो। तो यहाँ पे नीचे बॉल जरूर लगाना है, जिसकी वजह से जो पानी टपकता रहेगा बॉल में टपकेगा, ओवन गंदा नहीं होगा। इसी तरह से हम दूसरा भी रख देते हैं, तो ये इसी तरह से हम दूसरा वाला भी डाल देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं एक बार और इसको पानी की छींटे मार लेते हैं इस तरह से। मतलब 2 से 3 घंटे के बीच में एक बार आप इस तरह से लगा लीजिए। अब वापस से रख देते हैं, इसी तरह से उसको भी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ओवन के अंदर कैसी पानी की बूंदें आ गई। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक ह्यूमिडिटी इसके अंदर बन गई थी। तो अगर आपके पास में इस तरह का ओवन टाइप का या कोई कमरा हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप उसको रख सकते हो, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे आप कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं इसको, लगभग 15 से 16 घंटे हो चुके हैं इसको। मैंने आपको कहा था कि हर दाल को या फिर पीनट का अंकुर निकलने का अलग अलग टाइम होता है, तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब इसका अंकुर बाहर तक आ गया है, देख रहे हैं आप। तो मतलब ये बहुत बढ़िया हो गया। और क्या होगा ये, कोई गैस कर सकता है? ये है या तो ये मूंग है या फिर ये मोठ है। तो ये है मोठ, और ये देखो कितनी शानदार वाली, मतलब पेड़ उगने ही वाला था, खेतीबाड़ी शुरू होने वाली थी। ये देखो, अगर आपको इस तरह से हाथ लगाओगे आपको महसूस होगी एक हल्की सी गर्माहट। ये गर्माहट ही इसके अंकुर निकालती है। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। और ये है मूंगफली के दाने, लेकिन भाई मूंगफली के दाने तो हिले भी नहीं, मतलब हिल रहे हैं, एक दो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब हल्का हल्का सा अंकुर निकल रहा है। तो भाई इसको छेड़ो मत, अब इसको छेड़ाखानी मत करो, इसको वापस रख दो। मूंगफली के दानों में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, इसमें हल्का से पानी की छींटे मारेंगे और इसको रख देंगे वापस। दूसरी दालों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, ओहो हो हो, बहुत ही बढ़िया। सबसे ज़्यादा स्प्राउट मूंग दाल का ही बनाया जाता है, क्योंकि बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत जल्दी इसका अंकुर निकलता है। ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक देखो, ये देखो बाहर तक आ गए। तो इसको भी कर देते हैं साइड में। और ये है लास्ट में चना, काला चना जो हमने करा था, इसका भी निकलने लग गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं निकला है। तो ये बोल रहा है भाई मुझे थोड़ा सा वक्त और दो। तो इसको ज़्यादा बिना छेड़ाखानी किए हुए इसको सेट कर देते हैं और इसको वापस से इसी में रहने देते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, वापस रखते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, इसमें जो पानी निकलता है ना धीरे धीरे करके, ये देखिए इस पानी को फेंकना भी है बीच बीच में, क्योंकि इसकी भी एक स्मेल इसमें आ जाती है, तो वो भी गंदी स्मेल आती है। इसमें पानी के छींटे मारते हैं और इसको भी साइड में करते हैं। स्प्राउट में लंबे समय तक आपके फ्रिज में रहें और उसमें कोई बदबू ना आए, उसके लिए भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको निकालना है और एक बार वॉश करना है। और वॉश कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। कभी भी अंकुरित दालों को धोएं तो ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, गर्म पानी से ना धोएं या गुनगुने पानी से ना धोएं। और इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, देखो हाथ लगाएंगे तो इसका छिलका और इसका अंकुर टूटेगा। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने से क्या होगा, इसके अंदर की जो जितनी भी स्मेल होगी वो सब निकल जाएगी। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग गर्मियों में कर रहे हैं तो 5 या 10 मिनट के लिए आइस वाटर में रख दीजिए, उसके बाद में स्ट्रेन कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब इसका पानी निकलने दीजिए अच्छी तरह से, सारा पानी निकल जाएगा, उसके बाद में हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और ये रही चने वाली दाल, ये देखो जो काला चना है इसका स्प्राउट कितना बढ़िया से निकल गया है। इसको लगभग 24 घंटे से 30 घंटे के बीच में हो गया है। ये देखो, अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर क्या चल रहा है दिन का, मतलब क्या गर्मी है, ठंड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, गर्मी में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से ये है मूंगफली के दाने, इसको भी लगभग 24 घंटे से 30 घंटे या फिर 36 घंटे के आसपास हो जाता है। और ये देखो आप, कुछ इसमें देखो, एक में तो बहुत अच्छा निकल गया है, कई में नहीं निकला है, छोटा निकला है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा देर तक ना रखें, अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इसमें फंगस भी लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा केयर रखें, 36 घंटे या फिर 30 घंटे, इससे ज़्यादा ना रखें। अब इसको भी साफ पानी से हमको धोना है और इसको भी लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हमने चनों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जिसकी वजह से इसमें किसी तरह की जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे
इसमें गीलापन है, तो आप स्ट्रेनर में इसको रख दीजिए और इसका जो सरफेस पे जो गीलापन है वो थोड़ा कम होना चाहिए, तभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे, वरना ये फ्रिज में भी ख़राब हो जाएंगे। तो पहले इसको सूखने दीजिए इसको। और ये रहे मूंगफली के दाने, मूंगफली के दानों में बहुत ही कम निकला है, लेकिन थोड़ा बहुत निकला है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, मूंगफली के दानों में से कोई दाना अगर ख़राब है, आपको सड़ा हुआ लग रहा है, पहले ही निकाल लेना उसको, वरना उसकी वजह से बाकी ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी हम रख देते हैं थोड़ा पंखे के नीचे, जिसकी वजह से इसके जो पानी का सरफेस है वो हट जाएगा, उसके बाद में हम फ्रिज में रखेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको थोड़ी देर बाहर रखा स्टेनर पे और पंखे के नीचे रख दिया, जिससे इसके सरफेस पे कहीं पे भी आपको पानी जैसा नहीं दिख रहा होगा। अब आप इसको फ्रिज में रख सकते हो किसी भी एयर टाइट डब्बे में। तो इसको हम एयर टाइट डब्बे में डाल देते हैं इस तरह से। इसको फ्रिज में रख दीजिए, आराम से आपका 5 से 6 दिन तक चलता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको दोबारा रीयूज़ करना हो तो इसका कवर हटाइए, यहाँ पे पानी की बूंदें आएंगी, उसको साफ़ कीजिए और एक बार इस्तेमाल करने से पहले ठंडे पानी से वापस से धोना है इसको। एक बात आपको फिर बता देता हूँ कि मूंगफली के अंदर बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको ज़्यादा देर तक ना रखें और इसके अंकुर का ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मूंगफली के अंदर फंगस जल्दी लगता है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में और फिर इसे एक बनाते हैं शानदार वाला सैलड। तो यहाँ पर हमने अपनी दुकान सजा ली है और झटपट से अपना प्रोटीन सैलड बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में से निकाला। अब इसको फ्रिज में से निकालने के बाद में ये देखिए पानी की बूंदें हैं, तो जितनी बार आप निकालें इसको वाइप कर लें, क्योंकि पानी की बूंदें इस पर गिरती हैं तो वापस से ख़राब हो जाता है। अब इसको डायरेक्ट नहीं डालना है इसमें, जितना आपको यूज़ करना है उतना उसको वॉश कीजिए, मतलब एक बार ठंडे पानी से साफ़ कीजिए। तो ये रहा थोड़ा सा स्प्राउट, जितनी आपको इच्छा है उस हिसाब से आप अपना रेशो रख सकते हैं। ये मोटका है, ये चना और ये मूंगफली। एक बार इसको ठंडे पानी से धो के ले आते हैं। तो ये गया अपना स्प्राउट मिक्सिंग बाउल में, ध्यान रहे इसमें पानी ना हो। अब सभी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये है एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है, आधी छोटी कुकुम्बर, एक छोटा सा टमाटर, 100 ग्राम पनीर, पनीर की जगह आप टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्का सा स्पाइसी करने के लिए एक छोटी सी हरी मिर्च, धनिया श्रद्धानुसार, काला नमक, चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा, ये भुना हुआ जीरा है, नमक स्वादानुसार डालना है और साथ में हमने काला नमक डाला हुआ है, चाट मसाला डाला हुआ है, तो नमक हिसाब से डालना है, काली मिर्च, और ये रहा नींबू। नींबू अपने हिसाब से डालना जितना खट्टा आपको चाहिए, आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं मिक्स। ये जो सब्जियां हमने इसमें मिलाई हैं, जैसे प्याज, टमाटर और कुकुम्बर, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जियां मिलाने से जो ये स्प्राउट होता है खाने में बड़ा मज़ा आता है और आसानी से खाया जाता है। ये लो, बन गया सैलड। अब सैलड को कर देते हैं थोड़ा सर्व। तो यहाँ पर मैंने एक कैबेज लिया है और ये गया हमारा सैलड, हाई प्रोटीन सैलड। आप इसको कभी भी खा सकते हो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में। थोड़ा सा नींबू किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो, ये लो, लग रहा है ना 5 स्टार जैसा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।